नमस्कार, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन से। अगेन इसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मीडियम टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नॉर्मल हमने टाइप पढ़े हैं उस सब में से किसी में लाई नहीं कर रहा है। ऊपर क्वाड्रेटिक होता, नीचे कुछ बाई क्वाड्रेटिक होता तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का सोचते हैं या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन करने का सोच सकते हैं। एक बार आप लॉन्ग डिविजन करके भी देख लीजिएगा, वरना मैं तो अब क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में कि एक्स पावर 4+1 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता अगर ये, अगर बनता भी परफेक्ट स्क्वायर तो किसका बनता, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बनता ना अगर होता तो। लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस 2 times एक्स स्क्वायर मिसिंग है, 2 times एक्स स्क्वायर इंटू वन, 2ab वाला जो टर्म होता है वो मिसिंग है, दैट मीन्स 2x² मिसिंग है। तो बोलते हैं कि अगर 2x² मैंने ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट भी कर लिया तो मुझे एक्स्ट्रा 2x² सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे देख लिया, डिनोमिनेटर में a³ + b³, तो a+b, a² माइनस ab प्लस b² देखो है अभी भी x^6+1 ही नीचे में, तो मैं जब भी चाहूं इसको x^6+1 वापस लिख सकता हूं। अब क्या सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर को? तो एक तरफ तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर, इससे डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से, तो 1x² + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1x² + 1 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा x^4 - x² + 1। अब ये तो हमारा मन पसंदीदा फॉर्म आ गया, क्यों? क्योंकि हम कर चुके हैं ऐसे प्रॉब्लम जिसमें ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो इसके लिए अब कर लेंगे हम, इतना हमें विश्वास है। और दूसरे वाले में 2 बाहर करते हैं और x² / अगेन मैंने अभी अभी बोला था कि मैं जब भी चाहूँ इसको वापस कंप्रेस करके x^6+1 लिख सकता हूँ, और x^6+1 अब ऐसा क्वेश्चन तो आपने बचपन में किया होगा, या बचपन बोले इसी सीरीज के स्टार्टिंग में किया होगा जब आप सब्स्टिट्यूशन सीख रहे होंगे, आई होप उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये x³² + 1² है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको कि ये एक्जैक्टली लिखा क्या हुआ है, तो x³² लिखा हुआ है। तो दोनों ही इंटीग्रल्स आप आसान दिख रहे हैं, अब दोनों को सॉल्व करने की देरी है बस। तो पहले में हमारा क्या अप्रोच रहता है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ। इधर क्या अप्रोच रहेगा? इधर मैं बोलूंगा कि ठीक है आप x³ को t मान लो, तो जैसे ही आप x³ को t मानोगे, यहां से x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², या फिर अगर मैं x² dx का सिंपल वैल्यू बताना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं dt/3। ठीक है, x² dx का वैल्यू dt/3, और नीचे x³ जिसको मैंने t माना उसका square + 1। तो ये इंटीग्रल तो आसान है ना, tan इनवर्स t मिलेगा वहां से आपको। अच्छा, पहले इंटीग्रल पे वापस आते हैं। पहले इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो हमारे पास ऊपर t, अच्छा x के टर्म्स में है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 सिंपली x का, और 1/x का -1/x² होता है, तो अगर -1/x का डेरिवेटिव देखें तो 1/x² होगा। दैट मींस नीचे किसी भी
इसी तरह x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है ही, तो इसको स्क्वायर लिखने में क्या दिक्कत आ रहा है? एक माइनस टू का ही तो दिक्कत आ रहा है, तो माइनस टू इसके साथ लिख दिया तो एक्स्ट्रा प्लस टू भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस वन प्लस टू, देखो माइनस टू प्लस टू किया, माइनस टू को इसके साथ मर्ज कर दिया जो कि स्क्वायर बनाने का काम आ गया, अब एक्स्ट्रा ये टू माइनस वन जो कि वन है, तो मैं इसको सीधा वन लिख देता हूँ, और ये वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? इधर सिंपली टेन इनवर्स टी आ गया, अच्छा कांस्टेंट लास्ट में लिख देंगे। इस वाले इंटीग्रल के लिए अगेन आप इसे आई वन आई टू करके अलग अलग सॉल्व कर सकते थे, मैं बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इसमें एक्स माइनस वन बाई एक्स को यू मान लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगेन यहां भी वही बात, 1 बाय a, तो सिंपली tan इनवर्स है, तो उसमें भी a का वैल्यू 1 होता है तो सिंपली tan इनवर्स बन जाता है, tan इनवर्स u, तो ये सिंपली tan इनवर्स, अब u का क्या वैल्यू है? x माइनस वन बाय एक्स है ना, ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस एक्स यहां से आया और 2 बाई थ्री tan इनवर्स t, t किसको माना था? एक्स क्यूब का ना, लस्सी, ठीक है, यहां चाहे तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लिख सकते हैं, आपकी ऊपर डिपेंड है पूरा, मगर ये इंटीग्रल अल्टीमेटली यही था। तो शुरू से अगर देखें तो क्या क्या हमने किया, एक तो डिनोमिनेटर को थोड़ा सा खोला, वो पहले पार्टीशन के लिए था बस, दूसरे पार्टीशन में फिर उसको मर्ज ही कर दिया, ठीक है, तो क्योंकि हम सेपरेट करना चाहते थे ताकि कुछ ऐसा इंटीग्रल मिले जो हम जानते हो, अभी ऐसा इंटीग्रल दिख नहीं रहा था जिसके बारे में हम जानते हो कुछ, तो ये फॉर्म देखा हुआ लग रहा है क्वाड्रेटिक बाय बाइक्वाड्रेटिक, तो हमें पता है हम प्रॉब्लम्स करते आए, तो अब दिमाग सेट हो चुका है कि अच्छा एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, और दूसरा वाला तो बहुत पहले किया हुआ था कि सब्स्टिट्यूशन है बेसिक, तो उसको अलग करो इसको अलग करो सॉल्व, ये तो आपको करने आता है, ये दोनों ही एक ही फॉर्मूला लग रहा था, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज टेन इनवर्स एक्स, दैट्स इट।